আর্মড ফোর্সে যোগদানে উৎসাহী করতে উদ্যোগ নিল বিএসএফ। 11 বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন এনসিসির কম্বাইন্ড বার্ষিক ট্রেনিং ক্যাম্পে বিএসএফ এর জীবনযাত্রা তুলে ধরার পাশাপাশি অস্ত্র প্রদর্শনীও আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ এর মালদা সেক্টরের ডিআইজি ভিটি কায়ারকর, বিএসএফ এর মালদা সেক্টরের সিও, এনসিসি মালদা জোনের কমান্ড্যান্ট সহ অন্যান্যরা। ডিআইজি বলেন, আজ 11 বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন এনসিসির কমান্ড ডিআইজি বলেন আজ 11 বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন এনসিসির কম্বাইন্ড বার্ষিক ট্রেনিং ক্যাম্প চলছে। এনসিসি ক্যাডেটদের উৎসাহিত করতে বিএসএফ এর পক্ষ থেকে আমরা এসেছি। কিভাবে সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সে যোগদান করা যায়, কোন কোন পদে তারা যোগদান করতে পারেন, সেসব তথ্য আমরা তাদের সামনে তুলে ধরেছি। পাশাপাশি আজ এখানে অস্ত্র প্রদর্শনীও করা হয়েছে। कम्बाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप जो चल रहा है उसको उनको मोटिवेट करने के लिए जिनको यूनिफॉर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना है उसमें उनको मोटिवेट करने के लिए यहाँ हम लोगों ने हम यहाँ आए हैं। उनसे कैडेट से बातचीत की है और उनको वेपन डिस्प्ले किया हुआ है कि बीएसएफ में किस किस टाइप के वेपन डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं, वेपन बॉर्डर की देश की रक्षा कैसे करते हैं, बॉर्डर में कैसे ड्यूटी करते हैं, ये सब उनको बताया गया है। और उसके उनको फोर्स को ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ये इनको बताया गया। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से इस कैंप से काफ़ी बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि यूनिफॉर्म फोर्स में फ्यूचर में ज्वाइन करें। सर, एंट्री लेवल प्रोसेस कुछ जारी रहेगा ये जिन लोग ट्रेनिंग ले चुके? हाँ, जैसे कि है यहाँ ऑफिसर्स कैडर में अलग एग्ज़ाम होता है ऑफिसर्स के लिए, सब इंस्पेक्टर रैंक में जब ज्वाइन करता है बदल जाता है और कॉन्स्टेबल रैंक में ज्वाइन करता है तो अलग होता है, उसकी इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन भी अलग होती है। जैसे कोई एनसीसी सी सर्टिफिकेट होता है उसको एक अलग एडेड एडवांटेज होता है, उसके अलग नंबर दिए जाते हैं। साथ ही साथ अगर किसी गेम में कोई एग्ज़ाम किसी स्टेट को रिप्रेजेंट किया हुआ है नेशनल किया उसको भी होता है, तो इसमें एनसीसी कैडेट को सी सर्ट होने से उसको काफ़ी फ़ायदा होता है कि बाकी जो नॉन कैंडिडेट्स होते हैं जो क्लियर करते हैं तो इंटरव्यू के टाइम में उसको ज़्यादा नंबर एनसीसी के मिल सकते हैं। इसलिए मैं सारे बच्चों से आग्रह करूँगा कि जहाँ जहाँ हो सके तो एनसीसी ज्वाइन करें, जिससे कि आगे एग्ज़ाम जॉब के लिए नहीं, यूनिफॉर्म सर्विस के लिए, बट आगे उनके भी आगे लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है उनके उसमें लाइफ में, उसके लिए एनसीसी बहुत फ़ायदेमंद है।